हेलो फ्रेंड, आज मेरी सासू माँ करवा चौथ के लिए साड़ी लेके आई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एक साड़ी ये रही, ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी है साड़ी। ये बहुत अच्छा कपड़ा भी है। और ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये पल्ला में से। ये साड़ी मम्मी ने मैंने दिया है मम्मी को और सासू माँ को, और अच्छी लगी फ्रेंड देखने जरा। मेरी मम्मी पे भी अच्छा लगेगा। सिंपल का सिंपल है और हल्का भी है और ज्यादा काम भी नहीं है, खाली लेस। और ये फ्रेंड देखिए, ये मैंने ब्लाउज सिला है अपने लिए, सॉरी ये मम्मी के लिए है। ये देखिए, और इसका गला भी देखिए, ये मैंने अपने हाथों से सिला है। देखिए फ्रेंड अच्छा लग रहा है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये वाले दूसरे वाला साड़ी का भी मैंने ही सिला है, सेम गला है। डिफरेंट कितना है, ये थोड़ा सा हल्का सा गला बड़ा है, और लेकिन ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट सिला है। इसमें डोरी नहीं लगी है, मैं अभी लगाऊंगी डोरी। बॉल भी है मम्मी ले आई है कल लगाने के लिए। और उसके बाद, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखते रहिए। मैं आईब्रो बनवाने जा रही हूँ पार्लर में। हाय फ्रेंड, मैं ना आ गई हूँ पार्लर से। मैं पार्लर में ना आपको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ था, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो अब मेरी बुआएं देखी हूँ मेरी आईब्रो देख कैसे बनाई है। मेरी ना आईब्रो ना बहुत कम था, तो इसी वजह से ना बहुत छोटा सा बना है, बहुत ज्यादा पतला सा बना देखना। और मैंने ना एप्पल लिप्स भी बनवाया है देखो, अच्छी लग रही। देखो मैंने फॉरहेड भी बनवाया है। और बताओ मुझे कि कैसी लग रही। मैं ना जब ना कल तैयार होंगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही हूँ। और मैं ना दूध की थैली लेने गई थी, एक 25 वाली, सॉरी एक फुल क्रीम एक टोन मिल्क, तो मैं वहीं गई थी। और देखो मैं ना दूध गर्म कर रही हूँ। मेरे ना जेठ वाले भैया आने वाले हैं, तो इसी वजह से मम्मी बोल रही है मुझे ना आटा गूंथने और रोटी उनके लिए बना दे। तो मैं ना अब ना उनके लिए ना आटा गूंथने जा रही हूँ। मेरा आटा रो रहा था, भूख लगी है, तो इसीलिए मैं इसके पास आ गई हूँ अपने कमरे में लेके। और ये रहा मेरा आरव। आरव बेटा हंस के दिखा दो, हंस के दिखाओ, शर्मा गया है, प्यार कर रहा है मुझसे। हंसता है मेरे बेटा। क्या भूख लगी आपको? और मेरा बेटा ना भूखा है, तो इसी वजह से ना मैं ना आरव को थोड़ा सा दूध पिला दे रही हूँ। और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल और लाइक कीजिए।